ऐसे व्यक्ति को हमेशा मिलता है भाग्य का साथ। जो अपनाते हैं यह ज्योतिषी उपाय हर व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य का साथ चाहता है। भाग्यशाली बनने के लिए हम कई जतन करते हैं, कठिन परिश्रम से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन भाग्य के कारण मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारा मन तनावग्रस्त हो जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। शास्त्रों में कही इन बातों में इतनी क्षमता है कि इन्हें अपनाकर हम जल्द ही अपने भाग्य को खोल सकते हैं। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियां न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियां न हो, क्योंकि शास्त्रों में इसे दोषपूर्ण माना गया है। यदि व्यक्ति के घर के मुख्य द्वार की दोनों ओर खिड़कियां हो तो इससे घर के मालिक पर आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। इन्हीं खिड़कियों के रास्ते व्यक्ति का भाग्य हवा के साथ बहकर बाहर चला जाता है, लेकिन जहां समस्या वहां इसका समाधान भी है। शास्त्रों में इस समस्या के समाधान हेतु आपको खिड़कियों की चौखट पर गोल पत्तियां वाले पौधे का गमला रखना चाहिए या गमले को ऊपर खिड़की पर टांग दें। सकारात्मक ऊर्जा हेतु प्रवेश द्वार के अगल बगल पौधे रखें। घर व ऑफिस के प्रवेश द्वार के आसपास खुशबू वाले फूलों को लगाना चाहिए। ये फूल आपके घर में या ऑफिस में प्रवेश करने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर दे। सुबह हाथों की हथेलियों देखें। आप जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, मनुष्य की हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, हथेली के मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। अगर व्यक्ति रोज सुबह उठकर इस काम को करें तो जातक का भाग्य चमकने लगता है। हिंसा दर्शाते चित्र को घर में न लगाएं। घर में कभी भी हिंसा वाले चित्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि यदि किसी परिवार में इस तरह की तस्वीर लगाई जाए तो परिवार सदस्यों के बीच आपसी कलह बढ़ने लगती है। साथ ही हमें घर में महाभारत के दृश्य, पुस्तक आदि को नहीं रखना चाहिए, यह परिवार के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन जाता है। इस प्रकार के दृश्य को देखने से परिवारजनों का मन शांत रहता है।